इलाही मदीना। आइए हजरात बिला तमहीद देखिए, बहुत ही अजीम शख्सियत, बहुत देर से जलवा फरोज है हमारे मुशायरे के वकार में इजाफा करने वाली शख्सियत जनाब हाजी शहबाज साहब की तरफ से ये 1200 के हवाले से। अच्छा हाँ जी, अब देखिए शायरों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बिला तमहीद सीधे सीधे मैं एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश करूं दोस्तों, जो जिंदगी को नगमा बना दिया करता है, जिंदगों को सोजो साज में ढाल देता है, एक ऐसा नौजवान जो बहुत ही खूबसूरत शायरी के हवाले से जाना जाता है, जनाबे मुजाहिदुल इस्लाम। तमहीद बहुत करता, टाइम एकदम नहीं है, बस चार मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों, सच्चा की एक अच्छा शायर है, चार मिसरे से उन्हें माइक पर बुलाता हूँ। हाजी साहब, इस जमाने की नजर में लाख गोरा है या काला है? क्यों दिल खैराबादी साहब की तरफ देख रहे हैं? मैं काला इनको थोड़ी ना कहा। जमाने की नजर में लाख गोरा है या काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है, और मोहम्मद मुस्तफा के सब्र का मेयार तो देखो, अरे दुआ देते रहे उसको भी जिसने कूड़ा डाला है। आइए जनाबे मुजाहिदुल इस्लाम अपने खूबसूरत अंदाज के साथ माइक पर। हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब के एजाज में मैं हाजी कमरुज़्ज़मान साहब से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हाजी साहब का इस्तकबाल अपने खूबसूरत अंदाज में करें, उनका उनको माला पहना करके। हाँ नहीं देखिए एक मिनट मुझे दाई, हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब कह रहे हैं कौन दुल्हा लगता नहीं तो अच्छा लगता। मैं ये कह रहा हूँ कि हाजी साहब की शादी तो हो गई है, अब क्या है हाजी साहब? मेरी गुजारिश है एक मिनट आप बैठ जाइए, जहां जाते हैं मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं, सरैया में इतनी मोहब्बत हम लोगों की थी कि स्टेज जमीन पे आ गया माशाल्लाह। देखिए अब मैं एक बात बताऊं, हाजी साहब खुदा की कसम इतने मजबूत हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी बोले थे मादरी जबान में, बस इतना ही कहता हूँ कि हाजी साहब की शादी हो गई है इसलिए नहीं पहनना चाहते, ज्यादा दिन हो गया। सही बात है, किसी की शादी हो जाए तो 5 साल तक उनका बेडरूम अगर आप चेक करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? खूबसूरत कमरे, गुल बूटे वाले पर्दे, सेंट की शीशी। लेकिन उसी बेडरूम को अगर 5 साल के बाद चेक किया जाए तो क्या मिलेगा? पैरासीटामोल, दर्द के टैबलेट, पाम की शीशी, जैसे हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब को मिल रहे हैं। माशाल्लाह सबको मिलते हैं शादी के बाद, ये जिम्मेदारी होती है। बहरहाल बहुत खूबसूरत हमारे लिए, जहां भी जाते हैं मुशायरे में चार चांद लगा देते हैं। आज अराकीन कमेटी की जानिब से मैं हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मुजाहिदुल इस्लाम अपने खूबसूरत अंदाज में माइक पर। हेलो हाजी साहब रुख्सत हो रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हम अपना कीमती वक्त दे करके आज के हमारे इस प्रोग्राम के वकार में इन्होंने इजाफा किया था। जी मुजाहिद। हाजरीन महफिल, डाइश पे जलवा फरोज, उलमाए किराम और शोराए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आइए हाजरीन, ज्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे सदर साहब से इजाजत, और यहाँ से चार मिसरे से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूँ। नकीब हिंदुस्तान आली जनाब अकमल अदीब साहब, नाजिम मुशायरा पेश करता हूँ यहाँ से चार मिसरे बतौर खास मुलाजा करें। लेकिन एक बात है कि हाजी शहबाज साहब जैसे माइक पे आए हो तो लगता है कि आपकी ज्यारत अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं, लगता है पहले से मुलाकात है। आप समझ जाइए कि कितनी उम्दा शायरी है जनाब मुजाहिदुल इस्लाम की, कितनी मजबूत शख्सियत के का तारुफ मैंने जब कराया तो मुजाहिदुल इस्लाम की शायरी की मेराज होने का दौर आया। जनाब मुजाहिदुल इस्लाम अपने खूबसूरत पेश करता हूँ, जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज फिर जज्बाए अंसार दिखा सकते हैं, क्या दिल भाई फारूक भाई मुलाजा करें बड़े भाई शाहिद गौहर साहब, के आज फिर जज्बाए अंसार दिखा सकते हैं, के दिन के वास्ते घर बार लुटा सकते हैं। माशाल्लाह आप लोग आते जाते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग दिल खोल कर हिस्सा लें। पेश करता हूँ मुलाजा करें, कि आज फिर जज्बाए इंसान दिखा सकते हैं, जिनके वास्ते घर बार लुटा सकते हैं, जिनके वास्ते
दरबार लुटा सकते हैं और फिर जज्बाए इंसान दिखा सकते हैं जिनके वास्ते घर बार लुटा सकते हैं और पेश करता हूं वकील जी साहब जी दिल भाई बुलाजा करें जी बहुत शुक्रिया। देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। पेश करता हूं बुलाजा करें आप लोग बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं लग नहीं रहा है कि मैं खैराबाद की सरजमीन पे पढ़ रहा हूं। अच्छा माशाल्लाह देखिए फरमाइश 20 के नोट पे फरमाइश इंशाल्लाह पेश करूंगा कलाम। बहुत शुक्रिया अकमल भाई पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा करें फारूक भाई के उनका उम्मती होना अकमल होना के उनका उम्मती होना था मेरे उनका उम्मती होना के उनका उम्मती होना के उनका उम्मती जिक्र जिनका करती है मछलियां समंदर में जिक्र जिनका करती है मछलियां समंदर में उनका उम्मती होना। यही तो रख दो बेटा पेश करता हूं मौलवी नासिरुद्दीन नदवी साहब यही है ना जी इनके हवाले से ये शेर पेश करता हूं बतौर खास जी मुलाजा करें अकमल भाई इरशाद के उनका उम्मती होना था मेरे मुकद्दर में जिक्र जिनका करती है मछलियां समंदर में के पत्थरों को भी जिसने बोलना सिखाया है के पत्थरों को भी जिसने बोलना झलकते हैं मुस्तफा के पैर में मौजस झलकते हैं मुस्तफा के पैर में के उनका उम्र
आइए हाजरीन, जिस नादे पाक के लिए हुक्म हुआ है वो नादे पाक पेश करके मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, क्योंकि फेरिस्त तो बहुत तवील है अपने भाई। जी पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कन्वीनर मुशायरा हैं आली जनाब अब्दुल अलीम साहब और मेहमान खुसूसी हैं आली जनाब जहीरुद्दीन भाई। पेश करता हूँ जहीरुद्दीन भाई, मुलाजा करें, रख दो मेरे भाई यहीं पे। अकमल भाई पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि मरहबा सल्ले अला सल्ले अला। पेश करता हूँ दिल भाई, मुलाजा करें, बहुत उम्दा सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात, कि मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, के अब जब सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बहुत शुक्रिया। पहला बंद पेश करता हूँ अब्दुल अलीम साहब, मुलाजा करें कि मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, के हर तरफ शोर हुआ रब के पयंबर आए, के हर तरफ शोर हुआ रब के पयंबर आए, है तो हम सब के शफी आज वो सरवर के, सारे आलम के लिए बन के वो रहबर आए, सारे आलम के लिए बन के वो रहबर आए, है जो महबूब खुदा शाफ़ाए महशर आए, है जो महबूब खुदा शाफ़ाए महशर आए, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला। और ये भी बंद पेश करता हूँ अकमल भाई, जी पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, के कत्ल का करके इरादा वो चले थे घर से, के कत्ल का करके इरादा वो चले थे घर से, कह रहे थे ये बड़ी शान बड़े तेवर से, कह रहे थे ये बड़ी शान बड़े तेवर से, के जिस्म कर देंगे जुदा आज नबी का सर से, जिस्म कर देंगे जुदा आज नबी का सर से, जब लड़ी उनकी नजर चेहरे पैगंबर से, जब लड़ी उनकी नजर चेहरे पैगंबर से, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला। आखिरी बंद इन्हीं मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ, मुलाजा करें शाह, कि मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। पेश करता हूँ शाहिद गौहर साहब, ताबिश रेहान साहब, आदिल हेरा साहब, सबको शरीक करता हूँ, मुलाजा करें जी, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला,
के बुजहल ने ये कहा काम मेरा सुलझा दे, के बुजहल ने ये कहा काम मेरा सुलझा दे, शान वाले हैं अगर शान हमें दिखला दे, ऐ नबी मुझ पे यही एक करम फरमा दे, मेरे मोती में क्या चीज हमें बतला दे, मेरी मोती में क्या चीज हमें बतला दे, के झूम कर मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले अला सल्ले अला। माशाअल्लाह, ये थे मुजाहिदुल इस्लाम। भाई मुजाहिद, अगर फहरिस्त मुख्तसर होती तो खुदा की कसम तुम्हें जरूर और मौका दिया हो जाता। दिल तुमने जीत लिया है बहुत उम्दा अंदाज। मैं शायरी के अंदाज, मैं नातिया शायरी के अंदाज में तुम्हें तुम्हारा जो है तुम्हें रुखसत के बारे में कहूं, या मैं खुद ये कह दूं कि रेल की सीटी में ये कैसी हिजर की तमहीद थी, उसको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। बहुत उम्दा अंदाज, बहुत खूबसूरत शायरी। आइए हजरात, वक्त